हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नल एवं टंकी का पार्ट वन। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नल एवं टंकी का जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क के आधारित पर ही है। यानी टाइम एंड वर्क अगर पढ़ लिए हैं तो समझिए नल एवं टंकी भी आप पढ़ लिए हैं। सिर्फ इसमें ध्यान देना रहता है कि नल एवं टंकी में कि अगर कोई भी नल टंकी को भरेगा तो प्लस, यानी भरेगा तो प्लस, और अगर कोई भी नल खाली करेगा तो क्या होगा, माइनस। अगर टंकी खाली करता है नल तो माइनस, और भरता है तो प्लस, यही ध्यान देना है खाली। देखिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यानी कह रहा है यहाँ पर भर रहा है, एक नल है जो 2 घंटा में भरेगा, एक वो है 3 घंटा में भरेगा, तो भरा रहा है तो क्या होगा, प्लस। भर रहा है तो क्या होगा, प्लस। अगर खाली करता कोई भी नल तो माइनस, लेकिन दोनों नल यहाँ पर क्या है, भरने वाला है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, करा दोनों मिलकर टंकी को भरने में कितना समय। तो टाइम एंड वर्क ऐसा लगाइए कि अगर दो आदमी एक साथ काम करता है तो दोनों को काम करने में लगा समय क्या है, तो दोनों यहाँ काम करने ही वाला है, तो क्या जाएगा, ए गुना बी बटा ए प्लस बी। यानी दोनों को एक साथ काम करने में कितना लगेगा, तो ए गुना बी बटा ए प्लस बी, यानी 2 गुना 3 बटा में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। ये कहा जाएगा आवर में, इसको तोड़ लीजिए, यानी 6/5 यानी आ जाएगा 1 आवर। कितना हो जाएगा, 1 आवर। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5, तो 1/5 को मिनट में तोड़ने कितना हो जाएगा, तो 1/5 मिनट में तोड़ने के लिए 60 से गुना, तो 12 50 60, यानी कितना हो जाएगा, 12 मिनट। यानी इसका आंसर कितना जाएगा, 1 आवर 12 मिनट, ऑप्शन सी। ए गुना बी बटा ए प्लस बी इस लगा दिए कि दोनों काम करने ही वाला है, यानी दोनों टंकी को भरने वाला है। या इसी को बना सकते थे इस तरह से, ठीक है, भाग पर। यानी पहला नल 2 घंटे में भरता है तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, यानी एक टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/2 भाग कहता है टाइम का उल्टा भाग। और दूसरा नल 3 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग, और दोनों क्या है, भरने वाला, तो प्लस। ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहां से एलसीएम लीजिएगा तो जगह 6, और यहां से जगह 3 2 5, 5/6 भाग। यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भाग, 1/5 भाग। अब भाग पलटा कब है, समय, यानी इसको निकालेगा तो 6/5 आवर। ये क्या जाएगा, 6/5 आवर, और 6/5 आवर को तोड़िएगा तो कितना जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, यानी ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी एक जो पाइप है वो 15 घंटा में भरेगा, एक टंकी को कर ले 15 घंटा भरेगा तो प्लस, और दूसरा जो पाइप है वो टंकी को कितना घंटा में भरेगा, 12 घंटा में भरेगा, तो भरेगा तो क्या देगा, प्लस। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो बताइए खाली करेगा तो क्या देगा, माइनस। खाली करेगा तो क्या देगा, माइनस। खाली करेगा तो क्या होगा, माइनस। यदि टंकी खाली है तभी सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। यानी तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, तो चलिए हम लोग भाग पर चलते हैं। भाई पहला पाइप टंकी को 15 घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 1/15 भाग भरेगा, तो भरेगा तो प्लस। दूसरा पाइप जो है उस टंकी को 12 घंटा में भरेगा कर ले, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा कर ले, तो 1/12 भाग, तो ये भी भरेगा तो प्लस। लेकिन तीसरा पाइप 20 घंटा में खाली करता है, यानी पूरा टंकी को 20 घंटा में खाली करता है तीसरा पाइप, तो बताइए 1 घंटा में कितना भाग खाली करेगा, तो 1/20 भाग, लेकिन खाली किया तो क्या जाएगा, माइनस। बस कर दीजिए इसको, एलसीएम आ जाएगा ना यहाँ से, तो आ जाएगा 60, 15 चौको 60, 12 5 60, अब 20 60, 5 4 9, 9 3 6, तो 6/60, ये क्या जाएगा, भाग में। यानी इसको कर दिया कितना जाएगा, 1/10 भाग। अब भाग का उल्टा कब है, समय, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, तो 1/10 का उल्टा हो जाएगा 10। क्या चीज में था, आवर में, यानी 10 घंटा। यानी तीनों मिलकर खाली टंकी को कितना देर में भरेगा, 10 घंटा में भरेगा, ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी। टाइम एंड वर्क जैसा है, पहला पाइप यहाँ पर भरने वाला है तो प्लस, दूसरा पाइप भरने वाला प्लस, तीसरा पाइप खाली करने वाला तो माइनस, बाकी करेंगे तो यहाँ भाग आ गया। यानी 1 घंटा में तीनों मिलकर 1/10 भाग, तो एक काम को कितना देर में, तो उल्टा कर लेंगे, 1/10 को उल्टा कर देगा समय, यानी 10 घंटा में, पूरा टंकी को 10 घंटा में भरेगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, दो नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दो नल ए तथा बी
टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भरते हैं, यानी ए जो है 15 घंटा में टंकी को भर देगा और बी जो है 20 घंटा में टंकी को भर देगा, जबकि एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है। देखिए ये खाली करेगा तो, ये खाली करेगा तो क्या देगा माइनस, और ये भरेगा तो क्या देगा प्लस, और ये भी भर रहा है तो क्या देगा प्लस। अब कह रहा है प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए पहले 10 घंटा तक तीनों को चालू किया जाता है, तो सोचिए 10 घंटा में तीनों मिलकर कितना भाग भर दिया होगा बताइए। ए जो है 15 घंटा में पूरा टंकी को भरता है, तो एक घंटा में कितना भाग भरेगा 1/15 भाग, लेकिन कितना देर चालू है 10 घंटा, तो 10 घंटा में कितना भाग तो 10/15 भाग। बी जो है 20 घंटा में भरता है, तो एक घंटा में कितना भाग 1/20 भाग, लेकिन 10 घंटा चालू रहता है तो 10 घंटा में कितना भाग 10/20 भाग। और तीसरा जो है 25 घंटा में खाली करेगा, तो एक घंटा में 1/25 भाग, तो 10 घंटा में कितना भाग 10/25 भाग। देखिए दोनों है भर रहा है तो दोनों प्लस में रहेगा, और ये खाली करा तो क्या माइनस। देखिए पहला पाइप 10 घंटा में 10/15 भाग, दूसरा पाइप 10 घंटा में 10/20 भाग, और तीसरा पाइप जो है 10 घंटा में 10/25 भाग खाली करेगा, ये दोनों भरेगा ये खाली करेगा। अब लीजिए तीनों मिलकर 10 घंटा में कितना भाग, एलसीएम कितना जाएगा यहां से, देखिए पहले इसको काट लीजिए, 2 × 10 = 25, 1 × 0 = 0, ये 2 × 10 = 10, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 5 का एलसीएम हो जाएगा तो 30, यहां से जाएगा 10 × 2 = 20 प्लस, यहां से जाएगा 15 माइनस, 5 × 6 = 30 = 12, यानी आ जाएगा 23/30, यानी तीनों मिलकर 10 घंटा में 23/30 भाग भर दिया, तो भाई शेष भाग कितना बचा होगा, शेष भाग कितना तो शेष बताइएगा, तो एक में से 23/30 घटाइए कितना 7/30 कितना 7/30 भाग, यानी शेष भाग कितना होता है 7/30, और ये कौन काम करता है तो सी काम करना बंद कर दिया, यानी अब ए और बी करेगा, तो दोनों क्या काम करने वाला है यानी भागने वाला, तो प्लस, तो ये 7/30 भाग, यानी शेष काम को दोनों मिलकर करने में कितना समय, दोनों का कह रहे हैं समय से गुना कर देंगे, डे से गुना करेंगे, बताए थे ना टाइम एंड वर्क में डे से गुना करेंगे, तो जितना भाग बचा है उसको कौन काम करता है ए और बी, तो ए और बी को काम करने में लगा समय से गुना, तो a × b / a + b, यानी 15 × 20 / 15 कितना 35, अब यहां से काट लीजिए, देखिए 7 × 5 = 35 यहां से कट जाएगा, और 1 × 0 = 1 ये कट गया, 3 × 5 = 15, 5 × 5 यानी 2 घंटा। तो देखिए क्या आया है 10 घंटा तक तीनों और फिर सी बंद हो गया, तो ए और बी शेष काम करना 2 घंटा, तो कुल मिलाकर कितना घंटा लगा, यानी टंकी भरने में कितना समय बताइए, कुल समय कितना लगा, तो 10 घंटा पहले चला और ए और बी शेष काम को 2 घंटा में किया, यानी कुल मिलाकर कितना घंटा 10 × 2 = 12 घंटा, यानी 12 घंटा, ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में है एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है, देखिए ये 20 मिनट में पहला पाइप भर देगा टंकी को कर ले तो भरेगा तो प्लस, और दूसरा जो है वो 30 मिनट में भर देगा, तो अकेले अगर 30 मिनट भरेगा यानी प्लस। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए, देखिए ये मान लीजिए एक टंकी है भरने के लिए, कह रहा है दोनों को पहले खोलते हैं, दोनों को मतलब कौन कौन पहला और दूसरा, तो मान लेते ए और बी, पहला और दूसरा कौन कौन ए और बी, ए पहला और बी दूसरा, दोनों को मानते हैं कि एक मिनट तक खुला रखा जाता है, कितना मिनट एक मिनट के बाद, और फिर एक मिनट के बाद पहला को बंद कर दिए यानी ए को बंद कर दिए, तो बताइए आगे कौन काम करेगा दूसरा, दूसरा यानी बी, और टंकी 10 मिनट भर जाएगा, यानी यहां से यहां तक भरने में करना बी को 10 मिनट, तो कह रहा है कब बंद किया जाना चाहिए, तो कई मिनट के बाद एक मिनट के बाद बंद कर दिए थे पहला को, तो लगाइए एक कितना देर काम किया है सिर्फ एक मिनट, तो एक मिनट में कितना भाग 1/20 भाग भरा है तो प्लस, दूसरा जो है वो कितना देर काम किया है तो बी यहां पर भी है बी यहां पर भी है, यानी 1+10 भाग, तो 1+10 भाग कितना तो 1+10 मिनट तक, 1+10 मिनट / कितना 30, यानी 1+10/30 भाग, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल काम करना 1, और यहां से एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा यहां से कितना 60,
बीस तिहाई साठ थ्री एक्स और तीस दुना साठ यानी टू एक्स प्लस बीस बराबर वन। देखिए यहां जाएगा साठ और बीस घटेगा तो चालीस तीन दो पांच, पांच एक्स बराबर चालीस यानी एक्स बराबर करना आठ, आठ मिनट। देखिए आठ मिनट आया एक्स, तो एक्स मिनट के बाद ए बंद हो गया यानी एक्स का मतलब ना आठ, आठ मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया यानी ऑप्शन कौन रहेगा डी नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन कराया, तीन नल ए बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। देखिए तीनों मिलकर टंकी को कितना देर में भरेगा 12 घंटा में, तीनों मिलकर टंकी को 12 घंटा में भरता है भरेगा यानी प्लस, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा तो 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है यानी सी को कब बंद कर रहा है 4 घंटे बाद यानी तीनों मिलकर 4 घंटा काम कर लिया होगा। बताइए तीनों मिलकर 4 घंटा में कितना भाग यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 4 घंटा में 4 आवर में कितना भाग भरेगा तो 4 बटा 12 भाग भरेगा यानी कितना 1 बटा 3 भाग, मतलब 1 बटा 3 भाग भर दिया है कौन कौन तो ए बी सी 4 घंटा में, तो शेष कितना बचा होगा तो टोटल काम 1 तो 1 में से 1 बटा 3 भाग भर गया तो कितना बचा 2 बटा 3 भाग, 2 बटा 3 भाग शेष कितना 2 बटा 3 भाग। और 2 बटा 3 भाग कौन काम किया है तो करा है सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। देखिए शेष भाग को कौन काम कर रहा है 14 घंटा में ए और बी, तो ए और बी का समय कितना जाएगा टोटल काम करने में बताइए 2 बटा 3 भाग को भरने में, 2 बटा 3 भाग को भरने में 14 घंटा ये कौन लिया ए और बी, ए और बी तो टोटल एक भाग को भरने में कितना, एक भाग को भरने में कितना तो कब यह फिनिश बराबर इक्वल तो यहां काटे 2 सत्य 14 सत्य 21 यानी पूरा एक भाग को यानी टोटल काम को ए और बी कितना देर में करेगा तो सत्य 21 घंटा में करेगा। देखिए तीनों मिलकर पूरा काम को 12 घंटा में और ये दोनों मिलकर 21 घंटा में तो सी कितना देर में करेगा तो निकालिए तीनों मिलकर एक घंटा में 1/12 भाग और ये दोनों मिलकर एक घंटा में 1/21 भाग तो तीनों का भाग में से ये दोनों ए और बी का भाग घटा लेंगे तो बचेगा सी का भाग। देखिए यहां से एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा यहां से एलसीएम तो हो जाएगा 21 और 12 का एलसीएम तो गुना कर लीजिए 21 गुना 12। अब यहां से हो जाएगा 21 माइनस और ये 12 तो हो जाएगा यहां से 9 और यहां से कितना हो गया 12 ना 21 बटा 21 गुना 12। अब काटिए यहां से 3 3 9 चार तिया 12 3 7 21 यानी कितना आ गया 1/28 ये क्या आएगा भाग में, ये क्या आएगा भाग में। अब बताइए भाग का उल्टा कब है समय यानी 28 कब आएगा मिनट, मिनट नहीं घंटा 28 आवर यानी सी अकेले टंकी को कितना देर में भरेगा 28 घंटा में भरेगा 28 घंटा में। देखिए एक बार और समझ लीजिए कैसे बनाएगा क्वेश्चन को, तो कह रहा था तीनों मिलकर टंकी को 12 घंटा में भर सकता है, 4 घंटा तक तीनों को खोला गया तो सोचिए कि तीनों मिलकर 4 घंटा में कितना भाग भरा होगा तो 4/12 भाग यानी 1/3 भाग, तो तीनों मिलकर 1/3 भाग भर दिया तो शेष कितना बचा 2/3 भाग और इस शेष काम को ए और बी 14 घंटा में कर दिया तो 2/3 भाग को काम करने में 14 घंटा ए और बी को, तो ए और बी को पूरा काम करने में कितना घंटा 21 घंटा यानी ए और बी पूरा काम को 21 घंटा में और ए और बी और सी तीनों मिलकर 12 घंटा में, तो निकालिए तीनों का समय में से क्या होगा दोनों का समय घटाना होगा तो समय तो घटता नहीं है भाग में घटता है तो तीनों का भाग में से ए और बी का भाग घटा लेंगे तो सी का भाग बचेगा, सी का भाग करना हो जाए 1/28 भाग, भाग का उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा समय यानी सी का समय 28 घंटा। आइए छठा नंबर क्वेश्चन है, तो छठा नंबर है यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्यरत हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है यानी दो पाइप लगा है एक टंकी में और दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 घंटे में क्या होगा टंकी भर देगा, भरेगा तो क्या देगा प्लस। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे में जल्दी भरे, ठीक है करा यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, लगाइए ये पहला पाइप है ये दूसरा पाइप है,
करा ये दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 घंटा, लेकिन पहला पाइप जो है वो दूसरा पाइप से 10 घंटा पहले भर देता है, तो दूसरा पाइप को भरने में कितना समय, तो जिसको पूछ रहा है ना उसी को मान लीजिए एक्स, मान लीजिए दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना घंटा, एक्स घंटा, कितना घंटा, एक्स घंटा। तो ये पहला पाइप कितना देर में भर देगा, तो 10 घंटा पहले भर देगा, यानी 10 घंटा कम लगेगा, तो एक्स माइनस 10 घंटा, एक्स माइनस 10 घंटा। अब लगाइए पहला पाइप एक्स माइनस 10 घंटा में टंकी भरेगा और दूसरा पाइप एक्स घंटा में भरेगा और दोनों मिलकर 12 घंटा में भरेगा, तो दोनों को काम करने में लगा समय ए गुना बी बटा ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 10 गुना एक्स बटा ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 10 प्लस एक्स बराबर कितना 12 घंटा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखिए एक्स का मान हम क्या माने हैं, दूसरा पाइप को भरने में लगा समय, और क्वेश्चन पूछ भी करा है कि दूसरा पाइप को भरने में समय, दूसरा पाइप को भरने में समय, तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा दूसरा पाइप को भरने में लगा समय, यानी एक्स का मान चारों में से कोई ना कोई होगा। तीन ऑप्शन को चेक कर लीजिए, चौथा ऑप्शन अपने निकल जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं पहला ऑप्शन चलते हैं 15, एक्स का मान 15 लेकर, कब एक्स का मान जब 15 लेते हैं तब, एक्स का मान 15 लेते हैं तब, तो रखिए यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा यहां से 5 और ये जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा तो 5 प्लस 15 बराबर 12 आना चाहिए। देखिए काटिए यहां से आ जाएगा 15 5 20, तो 5 गुने 15 बटा 20 बराबर 12 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, 5 को 20 ये आ गया 15 बराबर 48, देखिए बराबर नहीं हुआ, यानी x का मान 15 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये क्या हुआ ऑप्शन गलत। उसी तरह से x का मान 10 रखेगा तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, उसी तरह से c नंबर में x का मान 20 रखेगा तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आना है, इसमें आएगा। देखिए x का मान 30 लीजिए तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, x का मान 30 लेने पर x माइनस 10 यानी 30 माइनस 10 कितना 20 गुना 30 बटा में 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 बराबर 12 आना चाहिए। यहां से काटिए 10 से 10 कट गया, ये कट गया 5 को 20, 4 12 बराबर 12 दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, डी नंबर, ऑप्शन डी, यानी x का मान 30 लेने पर। तो ये बाई ऑप्शन से बनाने में था क्वेश्चन कि x का मान कौन सा लेंगे दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो आ रहा है डी नंबर से, और नहीं तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो द्विघात समीकरण जाएगा, तो द्विघात समीकरण से ही बन जाएगा, x का मान आ गया तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन करा है, यदि एक मिनट में एक कुंड का 3/5 भाग भरा जाता है, देखिए एक मिनट में कितना भाग, 3/5 भाग भर रहा है, यानी कोई एक नल होगा जो एक कुंड को एक मिनट में 3/5 भाग भर देता है, तो लगाइए पूरा भाग को भरने में कितना समय, भाई 3/5 भाग को भरने में, 3/5 भाग को भरने में कितना समय, एक मिनट, एक मिनट यानी कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो बताइए एक काम को करने में कितना समय, यानी एक भाग को काम करने में कितना समय लगेगा, कहा जाएगा 20 30 60 20 25 100 सेकेंड, यानी वही नल जो होगा पूरा कुंड को कितना देर में भरेगा, 100 सेकेंड में। अब कह रहा था तो शेष भाग को भरने में और कितना समय लगेगा, तो शेष भाग को 3/5 भाग भर दिया तो इसका शेष कितना बचेगा, इसका शेष तो एक में से 3/5 भाग घटेगा तो कितना 2/5, 3/5 का शेष कितना 2/5, 2/5 भाग को काम करने में लगा समय क्या होगा, तो जितना भाग काम करना है और जो करेगा उसके डे से गुना करेंगे, तो कौन करेगा नल, तो पूरा टंकी को 100 घंटा में भर सकता है, यानी 100 सेकंड में, तो 100 से गुना, यानी पूरा कुंड को 100 सेकंड में भर सकता है, 2/5 भाग को कितना भर में भरेगा, 2/5 गुना 100 डे से गुना कर लेते हैं, 2 25 100 2 40 सेकंड, 40 सेकंड में शेष कुंड को भर देगा, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन करा, 10 टोटियां जिसमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होती है, मतलब कहा कि 10 को जो नल होगा उसमें से एक ही दर से पानी प्रभावित, यानी 10 नल का एक ही क्षमता है, क्षमता क्या होगा 10 नल का एक ही है, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है, निकाल सकते हैं
10 नल मिलकर एक टंकी को 24 दिन भरेगा, तो क्या जाएगा 10 गुना 24, यानी जैसे टाइम एंड वर्क में पता था मैन गुना डे टोटल वर्क, तो यही हुआ टोटल काम। यदि दो टोटी खराब हो जाए तो शेष टोटियां टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो यही काम को करने में अगर दो टोटी खराब हो जाए तो बताइए 10 में से दो खराब हो जाए कितना हुआ 8, तो 8 टोटी यही काम को कितना देर में, तो मान लेते हैं x मिनट में, कितना मिनट में x मिनट में, यानी 10 टोटी 24 मिनट में, तो 8 टोटी कितना मिनट में, जबकि काम वही है तो दोनों काम बराबर, याद कीजिए 8 + 24 यानी x बराबर 30 मिनट, कितना मिनट में 30 मिनट में। आंसर m गुना d, मैन गुना डे मैन गुना डे, टाइम एंड वर्क में पढ़े थे मैन गुना डे, तो वही पर 10 को मिलकर 24 दिन में, तो 8 को मिलकर कितना दिन में, x दिन में, x का मान करना है 30 मिनट, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी।